हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास सोनी का 40 इंच का एलईडी रिपेयर में आया है, जिसका मॉडल नंबर है KLV40R482B। ये सोनी का मॉडल है और ये मेड इन मलेशिया है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें तीन बार सोनी लिखा हुआ आता है, तीन बार एलईडी ऑन होने की कोशिश करेगा और उसके बाद में रेड लाइट ब्लिंकिंग करेगा, जिसकी हमने गिनती काउंट की है। रेड लाइट 6 बार 6 बार ब्लिंकिंग होता है और वापस ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए और वापस स्टार्ट हो जाएगा ब्लिंकिंग करना। रेड लाइट 6 टाइम 6 बार, तो ऐसे 6 बार ब्लिंकिंग होता रहेगा। तो आज हम दिखाएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सोनी एलईडी 6 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, तो जिसे प्रोटेक्शन मोड भी बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं। अभी हम आपको एलईडी ऑन करके दिखाएंगे, आप देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। सोनी लिखा हुआ आएगा, उसके बाद रेड लाइट ब्लिंकिंग आने लग जाएगा। हम एलईडी ऑन कर रहे हैं, ग्रीन एलईडी ऑन हो गया है, हमारा एलईडी ऑन हो गया है। देखिए एक बार ऑन हुआ, सोनी लिखा हुआ आया और 6 टाइम ब्लिंकिंग हो गया। ऑन होने की कोशिश की पर ये ऑन नहीं हो पाया और लास्ट में 6 टाइम ब्लिंकिंग में आ गया है। आप देखिएगा, मैं आपको गिनती कराऊंगा ब्लिंकिंग, रेड लाइट ब्लिंकिंग की। देखिएगा अभी 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग में आ गया है हमारा एलईडी। मैं आपको पास से दिखाऊंगा अभी, आप देखिएगा, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने सोनी का एलईडी ओपन कर लिया है और आप देख सकते हो उसका मदरबोर्ड। तो 6 टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इन्वर्टर बैकलाइट सेक्शन में जो आईसी रहती है उसका प्रोटेक्शन मोड निकालना पड़ेगा। तो उसकी प्रोटेक्शन मोड निकालने के लिए उस आईसी का 31 नंबर का पिन जो पीएफ से ग्राउंड हुआ है उसे हमें 103 यानी कि 10K के रजिस्टर से जोड़ना पड़ेगा, जिससे उसका प्रोटेक्शन मोड निकल जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे बैकलाइट सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन। आप ये देख सकते हो आईसी, आप गौर से देखिए, आईसी का नंबर है BD9397EFV। आप इसमें आईसी का नंबर बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, BD9397EFV, जिसका प्रोटेक्शन पिन 31 नंबर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको मैं गिनती करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट
31 नंबर प्रोटेक्शन का पिन है जिसे पीएफ के द्वारा ग्राउंड किया गया है। उस प्रोटेक्शन को निकालने के लिए हम यहां 10K का एसएमडी रजिस्टर लगा के रिमूव करेंगे जिससे हमारा सेट ऑन हो जाएगा। हम इसे रिमूव करके आपको दिखा रहे हैं, यहां 10K का रजिस्टर लगा के आपको दिखाएंगे, तो आप देखिएगा ये काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आता है सोनी के एलईडी टीवी में, तो आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप साफ देख सकते हो हमने आईसी की 31 नंबर की प्रोटेक्शन पिन को 103 10K के एसएमडी रजिस्टर से ग्राउंड किया है। हमने यहाँ जो पीएफ लगा हुआ था उसे रिमूव कर दिया है और अभी हम देखेंगे कि ये हमारे प्रोटेक्शन मोड में से निकल गया है कि नहीं निकल गया है, वो हम टेस्ट करेंगे। आप एलईडी ऑन कर रहे हैं हम, अब देखिए ग्रीन एलईडी ऑन हो गई, सोनी लिखा हुआ आ गया और वीडियो भी आ गया। तो हम आपको एक बार सिग्नल देके दिखाएंगे, आप देखिएगा अभी हमने सिग्नल दे दिया है, आप देख सकते हो एकदम साफ रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ रहा है, देखने लायक एलईडी हो गया है, रेड लाइट ब्लिंकिंग चला गया है और कंप्लीट ओके हो गया है पिक्चर। और अभी हम चैनल चेंज करेंगे और साउंड देंगे, पहले वह दृष्टि नहीं थी, ये ओवरऑल परसेप्शन यूपी के हमने दिग्गज वकीलों की टीम लगाई हुई है और आज हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने आर्यन की पैरवी की है। आर्यन के वकीलों की कोशिश बिल्कुल अटल मुद्दे बाकी से नहीं हो बनकर क्या लेता करा तुमने बनते की पहले ये लेता कहा गया है कि आप